आशीष जी को फटाफट से टेक्निकल पैटर्न्स देख के बताएं, क्योंकि ये तो बात हुई, हमने जीएसटी के इंपैक्ट बताने की कोशिश की स्टॉक पे पॉजिटिव, लेकिन टेक्निकल पैरामीटर्स के आधार पर क्या ये कंपनी सही है और चुन सकते हैं मौजूदा स्तरों पर? यस डेफिनेटली रजत जी, ये स्टॉक हम चुन सकते हैं, क्योंकि इसका अगर हम फॉर्मेशन देखते हैं तो कंसिस्टेंटली हायर टॉप हायर बॉटम बनाते हुए ऊपर चल रहा था और अभी फिलहाल इसने बॉटम फॉर्मेशन कर लिया है, तो यहाँ से जो एक्सपेक्टेड डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ ही है और बॉटम पे हम बाय करने की उनको सलाह दे रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके लिए मैं स्टॉप लॉस जो रिकमेंड करूंगा थोड़ा डीप डाउन होगा 126 का, क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और जब ये स्टॉक 138 के ऊपर निकलेगा तो अपना जो लक्ष्य है 150 152 का खरीदारी के संकेत हैं, ये तेजी बढ़ सकती है क्या? फिलहाल 114 के लेवल पे है ये स्टॉक। कौन सा स्टॉक कह रहे जी आपने? सॉरी, विविमेड लैब्स छोटी कंपनी है, फार्मा स्टॉक्स फार्मा श्रेणी को बिलोंग कर रही है और 3.5% ऊपर है, 113-114 का मौजूदा स्तर। विविमेड लैब्स पे आपकी राय चाहिए? अगर हम इसका फॉर्मेशन देखते हैं तो पिछले 4-5-6 ट्रेडिंग सेशन में कंसोलिडेशन जोन में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था और इस कंसोलिडेशन का जो टॉप है वो है करीबन 113.8 का, तो अगर 114 के ऊपर ये स्टॉक टिकता है तो मैं मानता हूँ कि डेफिनेटली इसमें उछाल आने की संभावना है और ये 117 रुपए 50 पैसे तक भी जा सकता एक या दो ट्रेडिंग सेशन में जाने की संभावना है, तो फिलहाल नई पोजिशन अगर किसी को बनानी है तो भी बनाई जा सकती है, स्टॉप लॉस बहुत ही नजदीक रहेगा 112 रुपए का और पहला लक्ष्य होगा 117 रुपए 50 पैसे। अच्छा, नोसिल को देख के बताएं, फिलहाल 113.50 के स्तर पर है, एक तो ये बताएं आज के दिन के टारगेट्स या फिर एक दो दिन के पर्सपेक्टिव से ये स्टॉक सही लग रहा है क्या, और किसी ने भी पोजीशन बना ली हो क्योंकि इस महीने काफी स्ट्रॉन्गली रिटर्न्स डिलीवर कर रहा है तो वो क्या करे स्टॉक पे? रजत जी, इसका फॉर्मेशन अगर हम देखते हैं तो इन द मंथ ऑफ मे बहुत सारे ट्रेडिंग सेशन थे जिसने 111 का जो लेवल है वो तोड़ने की कोशिश की थी लेकिन वो नामुमकिन हुआ स्टॉक के लिए, लेकिन आज हम इस स्टॉक को 111 के ऊपर ट्रेड करते हुए देख रहे हैं तो मैं मानता हूँ कि ये फ्रेश ब्रेकआउट है, एक अच्छी खासी डिमांड इस स्टॉक में कल के भी ट्रेडिंग सेशन में हमने देखी है, तो डेफिनेटली बाय करके रखना चाहिए। इसका जो लक्ष्य है मैं मानता हूँ कि करीबन 125-126 तक जा सकता है ये स्टॉक और ये तुरंत आज के ट्रेडिंग सेशन में नहीं होगा लेकिन अगले 6-7 ट्रेडिंग सेशन में ये 125-126 के लक्ष्य को टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। इसके लिए मैं स्टॉप लॉस जो रेकमेंड करूंगा वो होगा करीबन 109 का क्लोजिंग बेसिस के ऊपर।